नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमेशा मैं आपके लिए हमेशा एक कंटेंट वीडियो लाते रहता हूँ सारी चीज़ें। आज फिर से एक हमारे पास एक वीवो का फ़ोन आया है, और ये वीवो का फ़ोन मैं बता दूँ, वीवो का ये है Y91i। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि वीवो के सारे मॉडल एक जैसे ही दिखते हैं, पर जब उसकी आप डिफिनेशन, जब उसकी रीड इन्फो करेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये है इसका वीवो का 1820 मॉडल है, जिससे कि वीवो Y91i है। ये 91 भी नहीं है, 91i है फ्रेंड्स। तो आप इसे देख सकते हैं, इसमें मीडियाटेक का सीपीयू लगा है, इसमें कॉलकम भी सीपीयू हो सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसमें मीडियाटेक का सीपीयू है। और ये देखिए, इसमें पैटर्न लगा हुआ है, जो भी टेक्नीशियन या फिर जिनका भी है, ये देखिए पैटर्न इसमें लगा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ, पैटर्न इसमें लगा हुआ है वीवो का Y91। ये आपको सेट हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से करके दिखाएंगे। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं आगे चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही ईजी मेथड में आपको दिखाऊंगा, और दिखाता भी आता हूँ कि ये कैसे इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, इसके पैटर्न चुटकी में। फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने एक सेट जो आपको दिखाया है, और वो सेट FRP पैटर्न पे भी, पहले तो पैटर्न है फिर FRP भी हो सकता है। आपको इजिली हम दोनों स्टेप करके दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके दिखाएंगे, और इसकी पैटर्न और FRP दोनों हटा करके हम दिखाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका UMT से करने वाले हैं फ्रेंड्स, UMT से करेंगे। तो UMT का हम लेंगे अल्टीमेट मल्टी टूल MDK। इस टूल के माध्यम से हम इजिली वन क्लिक में उसकी FRP रिमूव कर देंगे, वन क्लिक में उसके पैटर्न को हम रिमूव कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी है, जो स्टूडेंट है जिनको पता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको नहीं पता है वो स्टेप बाय स्टेप लास्ट देखेंगे और इजिली इसकी हम पैटर्न और FRP हटा देंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देखते हैं, हमारा ये इंटरफेस खुल चुका है, अल्टीमेट मीडियाटेक का टूल खुल चुका है। हम डिवाइस मैनेजर को भी साइड में खोल के रखेंगे, क्यों? क्योंकि देखेंगे कि हमारा पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब आपको टूल एंड FRP पे जाना है, और आपको यहाँ पे अपना मॉडल लेना है। मॉडल आपको लेना है वीवो, जो आपका मॉडल है। ब्रांड लेना है, ब्रांड के बाद आपको लेना है हमारा Y91i है, हम इसको लेना है। अब सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, फोन को स्विच ऑफ करना है, पूरी तरीके से फोन को स्विच ऑफ करना है, मैं बताना चाहूंगा उसको। उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे आप दिख रहेंगे फॉर्मेट FS लिखा है, पहले आप इसको फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद आप FRP हटाएंगे। तो बस इसको दो पे क्लिक करना है, और जैसे ही 30 सेकंड के अंदर आपको फोन को कनेक्ट करना होता है। अब बस कुछ भी आपको प्रेस की नहीं करनी है, आपको सिंपली बस USB केबल लगा देना है। आप साइड में देखेंगे, आपके ड्राइवर भी डिटेक्ट हो जाएंगे, मीडियाटेक प्रीलोडर USB VCOM ड्राइवर, ये ड्राइवर भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं करना था। अब आप देख सकते हैं 1820 वीवो का, ये 1820 है, आप इसमें गूगल में जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ये फॉर्मेटिंग हो चुका है। अब फॉर्मेटिंग जैसे हो चुका है, तो अब सपोज इसमें FRP लगती है, तो FRP लगती है या नहीं लगती, फिर भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे मॉडल, अपना ब्रांड और मॉडल रहने देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि FRP रिसेट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो बस इसको जस्ट फिर से आपको कुछ भी नहीं करना है, फोन को रिसेट FRP पे क्लिक करना है। फिर 30 सेकंड के अंदर आपको फोन को वैसे ही आपको डाटा केबल से निकाल के री कनेक्ट कर देना है, और री कनेक्ट कर देंगे आप तो देखेंगे फिर से हमारा फोन कनेक्ट हो चुका है। ये दोस्तों, मैं वीडियो कोई भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इजिली आपकी FRP भी रिमूव हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं FRP रिसेट डन भी हमारी हो चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत छोटी है, आप इसे लास्ट तक इसलिए देखें, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर भी हमारा बना हुआ है, मैं USB केबल को निकालूंगा और आगे का प्रोसेस आपको अपने डेस्कटॉप और अपने मोबाइल के माध्यम से सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसे लास्ट तक देखिएगा कि इसकी पैटर्न और FRP रिमूव हुई कि नहीं। अगर हुई है तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, थैंक यू। आगे देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही सेट है जो कि हमने आपको दिखाया था अभी, वीवो का Y91। मैं हर एक वीवो का, हर एक फ़ोन की आपकी FRP पैटर्न जो भी है, हम यहाँ पे आपको इजीली रिमूव करके दिखाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, FRP हमने भी रिमूव की है, FRP भी रिमूव की, और इसके पैटर्न भी को भी हटाया, तो ये बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये वही सेट है और ये लास्ट एंड तक आपको हम दिखा देंगे कि एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन है, ये जो मॉडल्स हैं, आपको हम हर एक मॉडल्स के वीडियो आपको कंटिन्यू डाल रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ये लास्ट तक आपको दिखाएंगे कि ये हुआ कि नहीं। ये थोड़ा बूट होने में टाइम लगेगा, जैसे कि हम बूट होने का टाइम लग रहा था हमने बताया, यहाँ पे खुल गया है तो इसको हम सेटअप करेंगे। आपको वीडियो लास्ट तक दिखाएंगे, कोई भी वीडियो हमारे चैनल में फेक नहीं होती है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा दूं, एग्री करेंगे उसके बाद स्किप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद स्किप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद भी स्किप करेंगे, उसके बाद यूज़। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पास पैटर्न लगा हुआ था, जो लॉक लगा हुआ था, वो इजीली रिमूव हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से रिमूव हो चुका है ये, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो प्लीज़ आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करिए। वीवो का Y91i है, वीवो का Y91i 1820। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।